करीबन 45 मिनट की आज की सुनवाई और फैसला सुरक्षित रख लिया गया। कल फैसला सुनाया जाएगा, वक्त अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन इस बीच में हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के दावे भी हैं। क्या दावे किए जा रहे हैं, सुनाते हैं आपको। आज कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए मैंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये 20/5/2022 के आदेश में तय कर दिया है कि हम लोगों की जो ऑर्डर 7 रूल 11 वाज की पोषणीयता पर जो दिया गया प्रार्थना पत्र है उस पर पहले सुनवाई की जाए और यही मैंडेट है सुप्रीम कोर्ट का। उधर से बहस की गई कि साहब कमीशन की रिपोर्ट की हमको कॉपी दी जाए, हम कमीशन की रिपोर्ट को ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे और कमीशन की रिपोर्ट के लाइट में भी ये ऑर्डर 7 रूल 11 देखा जाएगा। उस पर मैंने विधि व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट की दी कि ऑर्डर 7 रूल 11 के लिए केवल प्लेंट देखा जाएगा, जो उनका मुकदमा दाखिल किया है उसी को पढ़ा जाएगा, इसके लिए कोई कमीशन की जरूरत नहीं है। और सीधी सीधी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया है कि ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन पहले डिसाइड होगी। इस पर माननीय न्यायालय ने कल के लिए आदेश पारित करने के लिए फाइल सुरक्षित कर ली है। अब ये कल के आदेश से ये होता हो जाएगा कि सुनवाई किस एप्लीकेशन पर होने जा रही है। इंटर कनेक्ट करके सुनवाई किया जाए, चूंकि पहले स्वरूप तय हो जाए कि उसके स्वरूप क्या, नेचर क्या है उस परिसर का, उसके बाद जो है माननीय न्यायालय जो है इस पे 7/11 पर सुनवाई करे। माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना और अपने कहा कि भाई कल जो इस पे जो हम आदेश आ जाएगा किस पे हमको सुनवाई करनी है। हाँ किस पे, बिल्कुल बिल्कुल। माननीय नई याचिकाएं भी दाखिल किए हैं, कई लोग किए हैं, वो लोग अपना माननीय न्यायालय सुनेंगे उसको, वो उनका विषय है, हम लोग से कोई उससे लेना देना नहीं है। 1991 एक्ट को लेकर कुछ इस विषय पर चर्चा हुई क्या जी? 1991 एक्ट को लेकर कुछ चर्चा हुई आज? चर्चा अभी तो सुनवाई 7/11 रूल होगी, अभी तो सुनवाई शुरू कहाँ हुई है। अब ये कल तय होगा कि किस पे सुनवाई प्राथमिकता किसको दिया जाए। मुस्लिम पक्ष कह रहा था कि 7/11 पे ही सुनवाई हो, हम लोगों ने कहा इंटर कनेक्ट करिए, सारे साक्ष्यों को आ जाने दीजिए, हम लोगों के पब्लिक डोमेन में हम लोगों को आ जाने दीजिए, हम लोग वीडियो देख लें, चिप देख लें, सारे फोटोग्राफी, उसके बाद ये तो तय हो कि स्वरूप क्या है, फिर उसके बाद दोनों को कनेक्ट करते हुए सुनवाई किया जाए। माननीय न्यायालय का कल हम बताएंगे कि किस विषय पर कल जो है सुनवाई किस पे होगी।